शतरंज के खेल में आज भारत की तरफ से सिर्फ 18 साल के आर प्रज्ञानंद चेस वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में विश्व के एक नंबर खिलाड़ी और 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन से टक्कर ले रहे हैं। फाइनल मुकाबले के पहले 2 राउंड में कड़ी टक्कर के बाद दोनों के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। आज लगातार 3रे दिन मुकाबला होगा, लेकिन टाई ब्रेक में, और यदि टाई ब्रेक से आज के फाइनल मुकाबले का नतीजा नहीं आता है तो फिर फाइनली ब्लिट से नतीजा आएगा, जहां आखिरकार हमें शतरंज का चैंपियन मिलेगा। आर प्रज्ञानंद जीतते हैं तो भारत को 21 साल बाद फीडे वर्ल्ड कप में शतरंज का चैंपियन मिलेगा। अब हम पहले यह जान लेते हैं कि टाई ब्रेक होता क्या है और इसकी गणित क्या रहेगी और चैंपियन का फैसला कैसे होगा। टाई ब्रेक को रैपिड गेम भी कहा जाता है, जिसमें 15-15 मिनट के 4 गेम खेले जाएंगे। फिर इसमें हर गेम जीतने पर खिलाड़ी को 1 अंक और बराबरी की स्थिति में आधा अंक दिया जाएगा। यदि टाई ब्रेक में भी नतीजा नहीं निकलता है तो फिर आखिर में इस फाइनल का ब्लिट्स से परिणाम निकलेगा। अब ये ब्लिट्स क्या होता है आपको यह भी बता देते हैं। ब्लिट्स में 3 मिनट का एक गेम होता है, इसमें चेक एंड मैट करना जरूरी होता है। पहले गेम जीतने वाले खिलाड़ी को विनर घोषित कर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि भारत को आज 21 साल बाद एक नया चैंपियन मिलेगा। नमस्कार।